चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे कि बिहार पैरामेडिकल 2022 का कट ऑफ कितना जाएगा, ओके, और 2021 में एग्जैक्ट कट ऑफ कितना गया था, ओके, और किस कोर्स के लिए कितना कट ऑफ गया था, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था, वो हर एक चीज देखेंगे, क्लियर। तो 2021 में जो गया था वो एग्जैक्ट फिगर में बताऊंगा कितना कट ऑफ गया था, ओके, ठीक है। उसके बाद इस साल कट ऑफ किस कोर्स में हाई जाएगा, ओके, क्यों हाई जाएगा वो भी रीजन बताऊंगा, और इस साल कितना नंबर है जिनके पास, इतना नंबर अगर है तो 100% फिक्स है कि उन्हें ये कोर्स मिलेगा, क्लियर, ठीक है। तो हर एक चीज देखते हैं, इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, आप चिल मार के बैठो, क्लियर। तो देखो, लास्ट ईयर जो 2021 में कट ऑफ गया था यूआर के लिए वो गया था 220, जिनका मार्क्स 220 था उन्हें लास्ट ईयर क्या था, जीएनए मिल गया था यूआर से। यूआर बोले तो अनरिजर्व, जिसे जनरल बोलते हैं, क्लियर, कितना 220, ओके। और ईडब्ल्यूएस में 195, कितना 195, देखो सबसे कम लो, सबसे लोएस्ट कट ऑफ ना ईडब्ल्यूएस क्या गया था लास्ट ईयर चौंकाने वाला, ओके। और एससी का 185 कट ऑफ गया था, एसटी का 190 कट ऑफ गया था, ईबीसी का 210 कट ऑफ गया था, ठीक है, और बीसी का 215 कट ऑफ गया था, और आरसीजी का भी 215 कट ऑफ गया था, ठीक है। और डीक्यू में तो विकलांग, इनका कट ऑफ भी 195 के आसपास गया था, ओके। डीक्यू में कंफर्म नहीं, इसका 185 भी शायद गया था, डीक्यू में बोले तो विकलांग, ओके। तो देखो ये सब 100% प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ, इसमें से आप जो वीडियो देख रहे हो इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट हो गए जो लास्ट ईयर एग्जाम दे रखे हो, उन्हें भी पता होगा कितना कट ऑफ गया था, ओके, ठीक है। उसके देखते हैं कि 2022 में क्या कट ऑफ जाएगा। तो देखो जितना भी कट ऑफ देख रहे हो मार्क्स, उसमें आप क्या करो 10 मार्क्स ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि अब स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, एएनएम सॉरी एएनएम बोल रहा हूं, आर्ट्स कॉमर्स या कुछ भी सब्जेक्ट रहता है ना स्ट्रीम, तो क्या करता है गर्ल्स, फिर से 12th का एग्जाम देता है, बायोलॉजी लेता है और फिर से करता है तैयारी, ओके, और फिर से क्या सोचता है कि जीएनएम लू एएनएम लू, क्लियर। जिसके कारण क्या होगा, इस साल 10 मार्क्स और बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि 2020 में कट ऑफ ना इससे भी काफी लो गया था, 10 10 मार्क्स में बढ़ गया था, इसलिए बोला हूँ 10 मार्क्स आप ऐड कर दो, क्लियर। तो जिसका 220 है ना, 230 मार्क्स यूआर से, 230 मार्क्स जिसका है वो 100%, देखो सब में 10 10 मार्क्स अगर आप ऐड करके उतना मार्क्स आ रहा है ना, तो आप 100% कंफर्म हो जाओ, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको जीएनएम मिल जाएगा, ओके, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ। अगर मतलब देखो कम भी कट ऑफ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं, लेकिन जिसका 10 इसमें 10 मार्क्स ऐड कर दो, उतना मार्क्स आ रहा है, तो आप इस साल कंफर्म हो जाओ कि आप मिठाई उठाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्लियर। देखो एएनएम में लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, यानी कि 2021 में कितना कट ऑफ गया था, तो यूआर के लिए 180 गया था। देखो मैं फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों राउंड मिलाकर बोल रहा हूँ कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ कितना गया था, क्लियर, जिसका मार्क्स 180 था उन्हें मिल गया था। ये सबका ना पीडीएफ मेरे पास है, सबका मार्क्स भी मेरे पास है, सबका क्या है वो अलॉटमेंट लेटर जो अलॉट होता है ना वो भी है। तो देखो इसमें होता क्या ना, पंगा ये हो जाता है कि जिसका हाई मार्क्स भी होता है ना उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ चॉइस स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। कुछ लोग नहीं, 99% लोग क्या करते हैं, चॉइस स्पेलिंग में गलती करता है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो अपने चैनल से कनेक्ट था ना उनका लो मार्क्स होने के बावजूद भी उन्हें कोई ना कोई कोर्स मिल गया, क्यों, क्योंकि चॉइस फिलिंग में उन लोगों का दिमाग काफी लगाना, मैं मतलब जो भी हो काफी चतुराई से उसे चॉइस फिलिंग में करवाया था, क्लियर, ताकि क्या हो कि और की कंपेयर में ना आपका क्या हो अच्छा मार्क्स मिले, मतलब अच्छा कोर्स मिल जाए, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था ना, लो मार्क्स होने के बावजूद भी उन्हें अच्छा कोर्स मिल गया। तो चॉइस फिलिंग के दौरान ना काफी दिमाग लगाना होता है, साथी वाला दिमाग लगाना होगा, तो ही जाके क्या होगा आपको, मतलब जो तेज तरह के ना उसका सीट छीन लोगे आप, ऐसा हर साल होता है कि जिसका लास्ट ईयर हुआ था ना, जो एक स्टूडेंट था जिसका दोस्त क्या नाम था उसका गर्ल्स का, वो कॉलेज करके फिर से कॉलेज छोड़ दी, इस साल उन्हें एएनएम मिला था, वो क्या कर रही है एक साल कोर्स की, उसके बाद एएनएम कोर्स छोड़ दी लास्ट टाइम में, अभी एग्जाम के समय फिर से वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी, क्लियर। तो ऐसा एक ही स्टूडेंट नहीं, काफी स्टूडेंट है, क्लियर। तो वो क्या गलती कर रखी थी कि टोटल कॉलेज ना ऐड करके सिर्फ 5 से 6 कॉलेज ऐड करी, उसे लगा कि इसी में कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफी बड़े बड़े टीचर जो होगा आपका एएनएम जेएनएम का जो भी पैरामीटर पढ़ाता है, वो लोगों का ये सजेशन था कि जिसको जो कॉलेज है ना सिर्फ वही कॉलेज डालो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। मैं उसके लिए वीडियो डालूंगा कि कैसे चॉइस फिल किया जाए कि आपको लो मार्क्स होने के बावजूद भी आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाए, और जिसे अच्छा मार्क्स है उन्हें अच्छा कोर्स मिले, क्लियर। तो इसमें आप लोग गलती ये मत करना कि एक ही टीचर पे डिपेंड हो, नहीं, मेरे भी पे डिपेंड नहीं रहना है, हर एक टीचर का देखो, कोई भी बड़ा साथी टीचर क्यों ना हो, ठीक है, उससे भी बड़ा साथी टीचर होता है, क्लियर, ठीक है। तो देखो एएनएम कितना कट ऑफ गया था, 180 गया था, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था कितना, यूआर की सॉरी ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ गया था, 165, क्लियर, ये 100% प्रूफ वाला मैं बोल रहा हूँ जो मेरे पास प्रूफ है, क्लियर। और एससी का कट ऑफ गया था 160, क्लियर, एसटी का गया था 165, ओके, और इसका 175 गया था ईबीसी का, सेकेंड राउंड में 170 भी काफी स्टूडेंट बोला था, लेकिन मेरे पास जो डाटा है उसी के हिसाब से मैं बोलूंगा ना, तो 175 कट ऑफ मेरे पास है, इसका पीडीएफ, ओके।
मार्क्स और इसका अलॉटमेंट लेटर कौन सा कोर्स मिला, और बीसी में गया था 180, इसका भी 180 किया था। इसमें सबसे मात खाया जाता है बीसी वाले स्टूडेंट, इसका जो है ना वो जनसंख्या ज्यादा है बीसी स्टूडेंट का, क्लियर। और आरसीजी का कट ऑफ गया था 180, इसका भी 180 है, क्लियर। आरसीजी गर्ल्स का रिजर्वेशन है, क्लियर। डीक्यू में इसका 165 का, काफी का मतलब काफी स्टूडेंट बोला था कि 160 पे भी मिला है, 155 पे भी मिला है, लेकिन मेरे पास जो डाटा था वो इतना ही था, क्लियर। ओके okay, और फार्मेसी में जो कटअप गया था लास्ट ईयर, जो इसमें होता क्या है ना कि मतलब चॉइस फिलिंग में क्या होता है ना, देखो फार्मेसी एलटी ओटी ये सब का कोई डिपेंड नहीं है कि हर साल सेम ही जाएगा, वो डिपेंड करता है चॉइस फिलिंग के दौरान स्टूडेंट पे। जो टॉपर स्टूडेंट है ना, अगर सपोर्ट करो उसको फार्मेसी लेना है तो फार्मेसी का कटअप हाई चला जाएगा, जो टॉपर उसे एलटी चाहिए लैब टेक्नीशियन तो वो एलटी मार देगा, इसका कटअप बढ़ा देगा, क्लियर। तो लेकिन ये जो भी कोर्स है ना फार्मेसी के लिए, अगर आप 225 मार्क लास्ट ईयर 225 वाले को मिल गया था, ठीक है, लेकिन अगर 235 है, ठीक है, यूआर के लिए देखो इसे होता क्या है ना, एएनएम और जीएनएम का कटअप कम लो जाता है, एएनएम जीएनएम कटअप लो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ गर्ल्स है, लेकिन फार्मेसी लैब टेक्नीशियन ओटी इसी जो भी एएनएम जीएनएम को छोड़कर जितना भी कोर्स है ना उसके लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों फाइट करता है, क्लियर। काफी स्टूडेंट को ना जीएनएम नहीं चाहिए, मतलब उसको एएनएम नहीं, जीएनएम नहीं मिलता है ना, जिसको लगता है कि नहीं मेरा मार्क्स लो है वो फार्मेसी भर लेती है, लैब टेक्नीशियन भर लेती है, क्लियर, ठीक है। तो देखो ये जो तीनों ये जो भी कोर्स एएनएम जीएनएम को छोड़कर लास्ट ईयर जो कटअप गया था 235 जिसका था ना, उसे फार्मेसी मिल गया था, क्या मिला था, फार्मेसी 235 वाले को, 225 वाले को भी फार्मेसी मिला था, लेकिन ये ईबीसी से था, हाँ ये ईबीसी वाले को 225 मिल गया था, क्लियर। और एससी का कोई बंदा था, ठीक है, एससी वाले को 215 पे भी मिल गया था, लेकिन 215 पे फार्मेसी नहीं, उसे एलटी मिला था लैब टेक्नीशियन, क्लियर। तो देखो बॉयस ये जो भी कोर्स है ना, अगर आपको फार्मेसी चाहिए तो 235 मार्क्स आप लाते हो तो 100% श्योर हो जाओ, ओके। और इसके अलावा जो भी कोर्स ये दिख रहा है ना 225 मार्क्स प्लस है, समझ रहे हो, 225, तो आपको इनमें से जो कोर्स चाहिए ना वो कोर्स आपको मिल जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपका डाउट क्या हो गया वो क्लियर हो गया। इसके लिए आपको जो भी मतलब जो भी क्वेरी है आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्लास फील्ड में कोई गलती नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होता है ना उसे वो कोर्स नहीं मिलता है, जो कोर्स आपको चाहिए ना वो कोर्स नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लास फील्ड, तो उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, ओके। इसके बाद ऑटो अपग्रेड क्या होता है उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्लियर। लास्ट ईयर तो ये भी हुआ था कि काफी टीचर लोग क्या क्या कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था, क्लियर, ठीक है। तो ये गलती मत करना आप लोग चॉइस फिलिंग में जो गलती करोगे भली आप 250 मार्क्स क्यों ना ला रखे हो, कुछ नहीं मिलता है, क्लियर, ठीक है। तो जीएनएम एएनएम हो गया, फार्मेसी हो गया, ये हो गया, ठीक है। और एएनएम के साथ कितना कटअप जाएगा, तो जितने कटअप लास्ट ईयर गया था उसमें से 5 मार्क्स और जोड़ दो। एएनएम में 5 मार्क्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है ना वो एएनएम नहीं करना चाहता है, क्लियर, समझ रहे हो ना। लेकिन देखो इस साल अभी 10,000 वैकेंसी आया है एएनएम का, पता है ना आपको, अभी 10,000 वैकेंसी एएनएम का आया है, ठीक है। तो कोई कोर्स छुटाने नहीं होता, जो कोर्स मिले वो कोर्स आप क्या करो ग्रैब कर लो, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल। जो भी क्वेरी हो आप क्वेरी क्या करो कमेंट करो, और क्या करना चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करना है, ठीक है।